सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली छोटे जितने भी बच्चे 10th और 12th क्लास में हैं, जो बच्चे CBSE का एग्जामिनेशन इस बार बोर्ड देने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी जल्दी में आप लोग फेस्टिवल्स का एग्जाम थे, परसों ही दशहरा थी, वहाँ 5-6 को मतलब अभी भी कुछ घरों में पूजा पाठ चल रही है। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग ने इंजॉय किया होगा। और भी फेस्टिवल्स आ रहे तो आप लोग ऐसा ही इंजॉय करिए, हैप्पी रहिए और साथ साथ है पढ़ाई भी करते रहिए। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ CBSE की अपडेट क्या है। CBSE ने आज ये अपडेट दी, इसका जो लाइव प्रूफ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखा दूँगा, इसका लाइव प्रूफ क्या है। फर्स्ट जो अपडेट है मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट अपडेट CBSE ने कहा है कि सारे स्कूलों ने, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंटेड स्कूल हो, सारे स्कूलों ने अपना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनल सबमिट कर दिया। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी जो भी आपके जितने ही आपकी बोर्ड्स की क्लासेस हैं, जब ऑब्वियसली 12th या 10th जो भी हो, 10th का तो शायद नहीं होता है, 12th की जो जितने ही क्लासेस होंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सेक्शंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसका एक फाइनल लिस्ट बनता है और वो सबमिट किया जाता है डेटा। तो स्कूलों ने वो फाइनल डेटा पूरा सबमिट कर दिया है। फर्स्ट अपडेट ये आई है। एंड CBSE ने ये भी कहा है कि हम सोच सकते हैं कि मतलब जो भी डेटा स्कूलों ने सबमिट किया हुआ है, तो CBSE शायद डेट एक्सटेंड करने को सोच सकती है। फर्स्ट जो आपका अपडेट था यही था। आप पढ़ाई बिल्कुल करते रहें। एंड इम्पॉर्टेंट एक और बात कही है कि CBSE भी एक और पोर्टल जारी करेगी फाइनल करेक्शन के लिए, कि आप लोगों ने अगर बाई मिस्टेक कोई भी गलती कर दी है, फिर बाई मिस्टेक टीचर से कोई गलती हो गई फॉर्म फिल करने में, तो आप उसे सही करेक्ट कर सकते हैं, आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है, मतलब लाइक इसका अपडेट आता है कि फाइनल पोर्टल आ चुके हैं, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बनाइए अपनी लाइफ को हेल्पफुल एंड ईजी। मैं इस चैनल पर IIT, ISER, NISER और भी कई सारी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की अपडेट्स देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकेंड अपडेट की। सेकेंड मेजर एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट CBSE की क्या है। CBSE ने कहा है कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, उसने पहले ही कह दी थे कि जो एग्जामिनेशंस होंगे 15 फरवरी से होंगे, मे भी बहुत आप लोग को खबर लग गई होगी, पर उसमें अपडेट क्या निकाला है, जो एग्जामिनेशंस की डेट शीट है वो या तो हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लाइक ये जो फर्स्ट वीक है ये तो बहुत रेयर है, उसने कहा है मतलब रेयर होगा मे बी, लेकिन उसने ये चीज़ कन्फर्म करी है कि हम या तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अपनी डेट शीट ज़रूर जारी कर देंगे। CBSE की अपडेट्स में लिखा हुआ है। एंड आपके जो एग्जामिनेशंस होंगे 15 फरवरी से, उसने पहले ही बता दिया था। एंड उसने ये कहा है कि किसी भी हाल में हम आपके एग्जामिनेशंस अप्रैल तक ख़त्म कर देंगे। एग्जामिनेशंस आपके जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस होंगे अप्रैल तक आपके ख़त्म हो जाएंगे। एंड उसने ये भी कहा है कि हम किसी भी अकेडमिक की एग्जामिनेशन से पहले डेट शीट हम एग्जामिनेशन के 90 या फिर 75 डेज पहले ही निकाल देंगे। या तो आपके अगर नवंबर में डेट शीट आती है तो यानी आप मानी चलिए कि आप 90 डेज होगा फरवरी के बाद आपका एग्जामिनेशन होंगे, अगर पहले ही अपडेट आ जाती है तो आप मान के चलिए कि अगर दिसंबर में भी अगर जब भी डेट शीट आती है अगर 90 डेज का गैप रखता है CBSE, तो आपके एग्जामिनेशन मार्च में या फिर लास्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट होंगे। अगर 75 डेज का वो हॉल्ट रखता है ऐसा कुछ करता है, तो आपके एग्जामिनेशन वही जो निर्धारित टाइम है 15 फरवरी, उससे ही आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। आप पढ़ाई बिल्कुल करते रहें, पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एंड सेकेंड थिंग इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है CBSE की प्रैक्टिकल्स को लेकर के, आपके प्रैक्टिकल्स 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी मे बी कोई भी स्कूल 5 जनवरी से भी स्टार्ट कर सकता है, और आपके प्रैक्टिकल्स 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे या फिर 10 जनवरी से ख़त्म हो सकते हैं, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल्स 10 जनवरी से या तो 10 जनवरी से 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन आगे के टाइम पीरियड्स में ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, उसने क्या कहा है प्री बोर्ड्स को लेकर के। उसने कहा है कि प्री बोर्ड्स सारे स्कूल्स को ऑर्डर दिया है कि जो भी आपका जो प्री बोर्ड्स हैं नवंबर दिसंबर में होंगे। एंड CBSE के एग्जामिनेशंस किसी भी हाल में, मैंने पहले भी बता दिया, किसी भी हाल में अप्रैल के आगे नहीं जाएंगे, अप्रैल तक आपके एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि सीबीएसई अपने एकेडमिक ईयर को रेगुलर करना चाहती है। जिस तरह से कोविड टाइम में सीबीएसई का जो भी करिकुलम था वो बिगड़ गया था, एग्जामिनेशंस मई जून तक जा रहे थे, पिछले साल भी जून तक एग्जामिनेशंस गए थे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये कह रही है कि हम किसी को अपने सारे एग्जामिनेशंस अप्रैल तक किसी भी हाल में ख़त्म कर देंगे। तो आप पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही ना करें। चलिए, और कोई अपडेट आती है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तब तक के चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय एंड जय। आप पढ़ाई करते रहें।